बिजनौर के अतीक अहमद क्या सोचकर भाई मैदाने शौचालय में कूद पड़े थे कि घर घर में टॉयलेट बनवाना कविताएं करने जितना आसान होगा। कविता आपको मालूम है कि सीधे सीधे दिल पे असर करती है। दुल्हन हो या बेटी अपनी, दुल्हन हो या बेटी अपनी, शौच को बाहर जब जाती है, मर्द कोई जब देखे उसको, लज्जा से वो मर जाती है। इस गरज से उसे बचाओ, शौचालय तुम घर में बनाओ। क्या सोचा था अहमद भाई कि कोई साफ साफ इनकार नहीं करेगा और लाठी लेकर पीछे तो बिल्कुल ही नहीं दौड़ेगा। पंचायत और सरपंचों को शौचालय के फायदे गिनवाए, सरकार भी देती है मदद, ये बात घूम घूम कर बतलाए। समय ने देखो करवट ली है, बदल रहा है हर मंजर, जिसको कहते थे शौचालय, आज बना वो इज्जत घर, आज बना वो इज्जत घर। एक थे हमारे सत्याग्रही जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, और ये हैं हमारे स्वच्छाग्रही बिजनौर के अतीक अहमद के, जिन्होंने अपने गांव को गंदगी से आजादी दिलाई। धन्यवाद अहमद जी स्वच्छाग्रह के लिए।